यहाँ हनुमान जी के पास विवेक है और हनुमान जी की कृपा से विवेक की प्राप्ति है। हनुमान जी महाराज बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। और रही बात आपकी, तो आपके लिए कवन सुख आज कठिन जग माहि। आपके लिए कौन सा काम कठिन है जो आप नहीं कर पाते, जो नहीं हो तात तुम पाही। बहुत चढ़ाया कवन सुखाज। हे हनुमान जी आपके लिए सब कुछ संभव है। हनुमान जी महाराज जरा चरित हुए, हमारे यहाँ कोई आता है हमसे काम निकलवाना होता है तो बहुत बखान करते, अरे आप तो बड़े महात्मा है, आप ऐसे आप पैसे है। फिर बात में पता चलता है तो मंदिर का फंडिंग के लिए आए, और मांगना है तो बखान तो करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज बखान से चलित नहीं हुए। कई लोग वो कुब्बारा होता है ना, हवा भरो तो फूल जाता है, और कुब्बारा सलामत कब तक है? जब तक उसमें हवा भरी न जाए तब तक। जैसे हवा भर गई तो गुब्बारे का आयुष नक्की हो जाता है, या तो लीकेज हो जाता है या तो फूट जाता है। ये तो गुब्बारा वैसे पड़ा होता है 5 वर्ष आप रखो घर में, फूलना नहीं चाहिए। और इंसान को अहंकारित होकर फूलना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आप कितना भी बखान करो, मगर अंत में कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जब कहा कि हनुमान जी महाराज आपका जन्म राम के कार्य के लिए हुआ, तब राम जी को याद किया और राम का नाम आते ही हनुमान जी महाराज अद्भुत बन गए। कैसे बन गए? पर्वत जैसे। सुनत ही बैगू पर्वताकारा, और उसको देखे तो कनक बरन तन तेज बिराजा, मानु अपर गिरिंकर राजा। ऐसा धगधगता हुआ सुवर्ण जैसा देह, पर्वत जैसा शरीर। कब? जब कहा गया कहे हनुमान जी आपका अवतार तो राम कार्य के लिए हुआ, तो हनुमान जी कहता है कि राम कार्य के लिए सदा सर्वदा मैं विशाल हूं, स्तुति प्रशंसा के लिए मैं नहीं हूं, मैं तो प्रभु का भगवती का कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। जैसे राम काज कहा तो हनुमान जी महाराज बोले, और हनुमान जी की जाति कौन सी है? श्रेणी बंदर है, वानर श्रेणी से। बंदर बोलते उसको क्या कहते हैं? कुचरा बोले भौंकना, सिंह बोले उसको गर्जना, वानरा बोले बंदर बोले उसको किलकिलाहट। शब्द किलकिलाहट कभी ने सुना होगा, एक भगत लखे उसे, और दूसरे जो बंदर बोलते उसको किलकिलाहट कहा, मगर यहां हनुमान जी महाराज बोले उसको कहा सिंह गर्जना, क्योंकि उसका स्वरूप पर्वत जैसा था और उसका देह कनक बरन सुवर्ण जैसा धकधकता हुआ शरीर था। तो सिंहनाद करी बार ही बारा, लीलहिनाद उजल निधि खारा। बड़े हो गए सिंह गर्जना की, जानवर जी मैं जाता हूं, ये सब योजन है ना, एक छलांग लगा के जाता हूं और वहां से वहां का जो राजा है उसके सहायकों के सहित सबको मार दूं, उस त्रिकुट यानी पूरी लंका को उठा के यहां ले आऊं, आपको जिसको भी ढूंढना है उसमें से आप ढूंढ लीजिए। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहां त्रिकुट उपारी। इतना मैं कर सकता हूं, मगर हनुमान जी महाराज के लिए शब्द है
कि बुद्धिमतां वरिष्ठम, वरिष्ठ बुद्धिशाली है और बुद्धिशाली व्यक्ति हर हमेशा झूठी तरह एक्साइट होकर एक्शन नहीं लेते, जो बुद्धिशाली होता है। कई लोग सोच समझ के काम करते हैं, कई लोग काम करने के बाद सोचते हैं अरे गलती हो गई। कई लोग गलती करते हैं क्योंकि उनको काम से पहले सोचने का समय मिलता है, या तो वो ज्ञानी है या तो विवेकी है, तो वो सोच लेता है कि इस कर्म से लाभालाभ क्या होगा। और कई जो उतावले हैं, भागम भागी वाले हैं, पहले कर लेते हैं फिर बाद में ओ ये क्या हो गया नहीं किने किया है। मजा वो बधी हती राते रात्रे ने संताप हो ना सवारे सवारे, ऐसा मजा भी नहीं जीवन में करना चाहिए कि उसकी लंबे समय तक भुगतान करनी पड़े। एक दिन का मजा हो और 10 साल तक उसका हफ्ता भरना पड़े, वो किस मत। तो विवेक होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ने विवेक का परिचय दिया और जामवंत को पूछा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहुं मोहि। विद्वान कौन कहलाता है, पंडित कौन कहलाता है, पंडित कैसे बनता है मालूम है आपको? पढ़ने से नहीं बनता है, पूछने से पंडित बनते हैं। पूछता पंडित नहीं पजे लखता लहियो थाई। किसको लेखक बनना है तो बोलेगे मेरे 50 साल के बाद मैं लिखना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं। तू अभी से लिखना शुरू कर तो एक दिन तू ऑथर लेखक बनेगा। और जिसको पंडित बनना है यानी कि सर्वाधिक ज्ञान पाना है, उसको हर जगह पर पूछना पड़ेगा। पूछने से पंडिताई की प्राप्ति होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। यहाँ हनुमान जी महाराज ने विनम्रता से जामवंत को पूछा कि जामवंत में पूछो तो ही उचित शिक्षा बनू दीजहुं मोहि। इतना बड़ा महात्मा एकादश में रुद्र हनुमान जी महाराज, मगर उनके सामने वडिल बैठे थे, अनुभव सिद्ध पुरुष बैठे थे जिन्होंने भगवान की हरि परमात्मा की 4 परिक्रमा की थी, ऐसे विद्वान बैठे थे। तो हनुमान जी ने कोई जल्दी नहीं की काम करने की। कई लोग बड़े उतावले होते, कार्य को समझने के सिवा वो कार्य शुरू कर देते, पूर्ण कार्य को समझो हनुमान जी कहते। और लीगल एडवाइस लो, जो अनुभवी है उनसे एडवाइस लो। वंस यू साइन फिर आपके हाथ में कुछ नहीं करते। वो छोटे छोटे अक्षर में आता है, हमारी एक में लिखा था कि $100 में गाड़ी ले जाओ, यानी कि $100 में ऐसा लिखा था। तो मैंने भाई को कहा कि 2-4 हमारे लिए भी इंडिया भेज दो। तो बोले 100 तो डाउन पेमेंट होता है, बाकी तो 15 साल तक मजा हो बधी हती राते राते सत्ता को है ना, हर महीने पे गाड़ी दिखती है पहली तारीख को 550 भरना है। तो हनुमान जी महाराज जरा भी चलित नहीं हुए और पूछा कि बाबा आप मुझे शिखावन दीजिए, उचित शिखावन दीजिए हम मुनि। तब जामवंत जी ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना, इतना करहु तात तुम जाए, सीत ही देखी कहु स्तुति पाई। सिर्फ सीता को देख के आपको आना है, बाकी कुछ उथल पाथल करने का नहीं है। सीता ही देखी कहो सुधि पाई, तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी समुद्र किसे। सेना कौतुक में आ गई, कपि से न संग संधारी निश्चर राम सीतई आनी है त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि पखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही रघुबीर पद पाथोच मधुकर दास तुलसी गावत। यह बहुत अद्भुत सुंदर कांड के प्रवेश के लिए
एक चौपाई दे दिया आपको, चार पहिया वाला, आपको जाना है इस विमान में बैठ कर, चार पहिया वाला ये वाहन है कैसे, चार चक्र वाला, या तो चार पहिया, और चार पहिया कौन सा है, सुंदरकांड। अर्थात हमने शुरू में बात की तो जीवन को सुंदर बनाने का एक रास्ता, सुंदर बनाने का एक अनुष्ठान, सुंदर बनाने की विधि। तो उस सुंदरकांड में प्रवेश के लिए आपको चार पाई चाहिए, चार पाई वाली खुशी, बैठना है तो चार पाई से, चलना है तो चार पहिया वाला कार्ड चाहिए। तो सुंदरकांड का चार पहिया, जो सुनत गावत कहत समझत, ये चार चीज जो कर लेता है वो परम पद नर पावही, रघुबीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी पावही। तुलसीदास कहता है कि ये चार चीज को जो पकड़ लेता है वो परम पद को पा जाता है। और हमें चाहिए क्या, बस परम पद तो चाहिए, परम पद यानी कि श्रेष्ठ पद, जहां भी जाए आई एम द बेस्ट, ये हमारी मूल कल्पना है कि जहां भी जाओ लोग मुझे नोटिस करें, उसको कहते हैं परम पद। तो परम पद की प्राप्ति के लिए ये चार चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज है सुनत, सुनना सबसे बड़ा और सरल उपाय, और सुनने में कोई खर्चा नहीं है। आप लोग बैठे कोई खर्चा है, आपको कोई तकलीफ है, आप षटकोण में बैठ सकते हो, विपरीत कोण में बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, वैसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो, जो भी मुद्रा आपको करनी है वो सुनने वाले को कोई मना नहीं है, बराबर, मगर बोलने वाले को तकलीफ होती है। बोलना महान नहीं है, बोलना बोलने वाला महान नहीं है, सुनने वाला महान है। यदि हमने सुनना आ जाए, सुंदरकांड जब पूरा होता है तब क्या लिखा है, तब सकल सुमंगल दायक, अंतिम पद सकल सुमंगल दायक, उन बात में करेंगे, रघुनायक गुणगान सादर सुनही तेतर ही भव सिंधु बिना जल जान। अब भव सागर को तैरने के लिए सिर्फ सुनते रहो, सादर सुनही तेतर ही, गा न सको, अनुष्ठान न कर सको, बड़ा बड़ा दान न कर सको, कोई दिक्कत नहीं, मात्र भगवान के गुण को सुना करो। इस सुनने से हमारा जीवन सुगंधी होता है। और ईश्वर का प्रवेश कैसे होता है हमारे जीवन में, ईश्वर का प्रवेश, लोग कहते हैं कि हमने दर्शन किया तो भगवान को अपने हृदय में बिठाया, मगर मूलभूत भगवान कर्णों से आते हैं। पहले भगवान के बारे में आप जानते हैं, वो जानने की प्रक्रिया है वो कर्णों से होती है। प्रभु राम के चरणों में विभीषण महाराज आए और विभीषण महाराज को पूछा प्रभु राम ने, आप यहां कैसे आ गए, आप तो हमको जानते नहीं, हम एक दूसरे को मिले नहीं, आप कैसे आ गए। तो बोले बाप जी मैंने आपको देखा नहीं मगर मैंने आपको सुना है, और परिचय हमारा पहले उसके बारे में सुनते हैं, फिर हमको विचार आता कल उसको मिले या उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। तो विभीषण बोलता है, श्रवण सुजस सुनियाहु, ए प्रभु मैंने आपका सुयश सुजस कर्णों के माध्यम से सुना है, श्रवण सुजस सुनियाहु, इस सुंदरकांड की चौपाई, प्रभु बंजन भवीर त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुबीर, प्रभु मैंने आपको सुना है।
और मैं सुन के आया हूं। तो जो सुनता है, यानी कि जीवन में सुनना शुरू कर दो। आज सुंदरकांड शुरू कर ला, किस कितना कांड में 6:15 बज गई, इसलिए मैंने कड़ी दे दी। 10 मिनट मुझे थोड़ा व्यक्तित्व दे देना। समझो हमारे घर में या तो हमारे जीवन में क्लेश क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है, सांभलवाती बोलने से झगड़ा नहीं होता है। आप कितना भी बोलो, मैं सुनता ही नहीं तो आपको क्या। मगर सुनने वाला होता है वो 180 डिग्री का प्रयोग नहीं करता है, वो सीधा 90 डिग्री का अंदर घुसा देता है। मेरी सास 80 की हुई, इतनी बुढ़िया हुई, मैं उसको खिलाती हूं मगर फिर भी मेरे सामने बोलती है। ले, अरे सास ही बेचारी बच्चे जैसी है। एक उम्र के बाद वयोवृद्ध लोग बच्चे जैसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बोलने को मैं मजा लेता हूं, बात कर दो। इतना बड़ा इश्यू इमीडिएट फिनिश हो गया।